दो ना, मुझे मुझे अपने सिकंदर अंकल के पास जाना है, जाने दो। चुप कर या बैठ, ज्यादा रोई तो एक थप्पड़ लगा दूंगा। नहीं, आप मेरे पापा नहीं है। कान खोल कर सुन, आज से मैं तेरा पापा हूँ, समझी? हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे मेरे सिकंदर अंकल से मिलवा दो, प्लीज। बिचारी कुल्फी नकली पापा के चंगुल में ऐसी फंसी कि वहां से निकल ही नहीं पा रही है। जरा देखिए, रो रो कर क्या हाल बना लिया है कुल्फी ने। वहीं एक तरफ जहां इस अजनबी ने कुल्फी को चार दीवारों में कैद कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिकंदर गुमशुदा कुल्फी के लिए बेचैन है और उसे आभास हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन हो गया है, 24 घंटे हो गए हैं, होने वाले हैं, और पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक। वो भी हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, वो कह रहे कि 24 घंटे से पहले हम रिपोर्ट नहीं लिखते, लापता नहीं मानते किसी को। तो सिकंदर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जान लगा रहा है कुल्फी मिल जाए। तो ही इज फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है कि क्या हो रहा है, कुछ एक सुराग मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। और फिर एक धोबी आके कहता है कि मैंने उसको देखा था, और कहता है कि उसने क्रॉस पहना हुआ और वो चर्च का बैग लेके था और गॉड प्रॉमिस बोल रहा था, मतलब इज अ कैथलिक। भाई सिकंदर तो कुल्फी का पता लगा कर ही रहेंगे, लेकिन आज देवर पहुंच गए हैं लवली के पास उन्हें ये बताने के लिए कि कुल्फी को घर से बाहर निकालने के लिए अमायरा ने उसके पोस्टर्स गली गली लगवा दिए हैं। बस फिर क्या था, अपनी बेटी को बचाने के लिए लवली अपना चेहरा ढक कर पहुँच गई सारे पोस्टर्स निकालने के लिए। प्रॉब्लम्स आती रहती है एंड वी हैव टू फेस देम, बट अभी आप फैमिली पर बात है, मेरा और सिकंदर का भी रिलेशनशिप खतरे में है, मेरा और अमायरा का भी रिलेशनशिप खतरे में है, अमायरा और सिकंदर का रिलेशनशिप खतरे में है, सबका रिलेशनशिप खतरे में है। तो बस अपनी फैमिली को एकजुट करके रखना है एंड वील फाइट अवे ऑल द डीमंस। रिश्तों को बचाने के बारे में तो बाद में सोचेगा लवली, फिलहाल तो कुल्फी को बचाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर कुल्फी के साथ कुछ गलत हुआ तो इसका इल्जाम सीधे तौर पर आपकी बेटी पर ही आएगा। आज तक ब्यूरो।